दोस्तों अभी मैं बक्सर में हूं और बक्सर से 22 किलोमीटर दूर ये ग्रामीण इलाका है, वहीं पे एक किसान है जो लगभग 3 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और अभी बात करेंगे उनसे। लेकिन पहले आप ये मेमने को देख सकते हैं, ये जो मेमने हैं वो ब्लैक बंगाल से आए हैं और क्रॉस जो हुआ है साउथ अफ्रीकन बोर गोट जो है मेल से ब्लैक बंगाल को क्रॉस करवाया गया और ये 3 महीने के बच्चे हैं जो तकरीबन 18 से 20 किलो के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रॉस ब्रीड का क्या फायदा है। अभी मैं बता दूं कि यहाँ जो फार्मिंग हो रही है कंप्लीट रूप से साउथ अफ्रीकन बोरगोट पे हो रहा है, लेकिन प्रयोग के तौर पे एक दो ब्लैक बंगाल है जिसके बच्चे ये आए हैं। तो कब से ये फार्मिंग कर रहे हैं, और अगर आज बिहार में देखें तो साउथ अफ्रीकन बोर का जो है क्रेज है, जो बहुत सारे किसान है जो ब्लैक बंगाल से फार्मिंग कर रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि एक ब्रीडर जो होता वो बोर का अपने फार्म में होता तो परिणाम और बेहतर मिलते। तो क्या खासियत है साउथ अफ्रीकन बोर में, आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इसीलिए मैं पहुंच गया हूं बक्सर। बक्सर में ये बरहना गांव है और वहीं पे गोपाल जी हैं जो लगभग 3 वर्षों से फार्मिंग कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों उनसे बात करते हैं और एक एक चीज आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीकन बोर के ऊपर, ताकि आप जैसे भाई जो अभी आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं तो उन तक भी एक सही जानकारी पहुंचे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर आपको भी स्वागत है, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरा गोपाल सिंह नाम है, मेरा बरहना गांव है और इटाढ़ी ब्लॉक में मतलब की है और बक्सर से 22 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव पड़ता है। बक्सर से ये गांव जो है 22 किलोमीटर दूर पड़ता है जी सर। हाँ अच्छा ये बताइए कि कब से बकरी पालन कर रहे हैं। सर 3 वर्ष हो गया मेरे को इस फार्मिंग को करते हुए। 3 वर्ष, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, बकरी पालन ही कर रहे हैं और उसके साथ और कुछ कर रहे हैं? सर अभी तक तो मतलब की हम सिर्फ कर रहे थे, लेकिन अब मोटिव लग रहा है कि सर इसी को अभी इसी पे टाइम देना है और इसी को करना है। अभी मतलब बकरी पालन के साथ और कुछ कर रहे थे? और कुछ कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे और दूसरा कुछ काम था वो भी कर रहे थे, लेकिन मतलब कि अब यही लग रहा है कि मतलब इसी पे फोकस करना है, इसी को टाइम देना है सर। तो जब मान लीजिए कि ये जो अधिकतर आपके पास इन दो मेमनों को छोड़ दे तो कंप्लीट रूप से जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ अफ्रीकन बोर गोट है। तो सबसे पहला सवाल कि कितने जानवर से बकरी पालन की शुरुआत किए थे, जो अभी बोर का जो आप ब्रीडिंग सेटअप तैयार कर रहे हैं, जो आपके पास ब्रीडिंग सेटअप है बोर का, कब कितने जानवर से किए थे? सर आज से 3 वर्ष पहले हमने 2 फीमेल और 1 मेल लेकर आया और मतलब कि शुरुआत किया, जैसे तैसे मतलब कि हमने शुरुआत किया सर। और आज करते हुए मतलब कि अभी तक तो आप देखने में मतलब 17-18 मतलब कि मिल जाएंगे बोर के क्वांटिटी, लेकिन मतलब कि मेरे पास 25 से 26 मतलब कि क्वांटिटी में थे जो बाकी सबको मतलब कि सेल कर चुका हूँ। 3 वर्ष पहले कह रहे हैं तो लगभग मान के चलिए कि 36 महीने पहले आप शुरू किए थे और 36 महीने में लगभग 3 जानवर से 24-25 की संख्या आपके पास हो गई। जी जी। इस साल में कितने बार बोर बच्चे देती है? सर साल में मतलब कि 16 महीने में 2 बार बच्चा देती है कोई भी बकरी, और अभी मान के चलिए कि हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे और भी दूसरा कुछ काम था, और हम मैं बता दूं कि 3 वर्ष से मतलब कि हम कर रहे थे लेकिन जैसे तैसे कर रहे थे, ठीक है ना सर। और मतलब कि अभी हाँ आपको हम लग रहा है, हमको अब लग रहा है, रियलाइज हुआ कि मतलब कि अब हमको मतलब कि इसी पर फोकस करना उचित रहेगा और आने वाले मतलब कि समय में मतलब कि ये बेहतर रहेगा सर। जब शुरुआत किए थे तो क्या इन्वेस्टमेंट क्या था आपका, जो 3 जानवर लाए थे लगभग लमसम कितना लगा होगा? समथिंग मतलब कि 2 लाख रुपए हमने खर्च किए थे उसमें लगा था। जी सर। 3 जानवर में? हाँ सर। और अभी जो फिलहाल में और बेचे वगैरह वो कितना का जानवर बेच दिए होंगे? नियर अबाउट मतलब कि हमने जो भी लगाया था वो तो मतलब कि हम निकाल चुके हैं। हो गया। जी सर। हाँ। और जो भी मतलब आप देख रहे हैं सर आंखों के सामने जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो मेरे मतलब कह लीजिए कि बेनिफिट है सर। कहने का मतलब कि जो लगाए थे उतना का जानवर आपने बेच दिया, लगभग 24-25 जो आपके पास संख्या थी उसमें से 7-8 जानवर आपने बेचे हैं और अभी 17 संख्या आपके पास है। तो ये जो है आपका प्रॉफिट एक तरह से है? हाँ सर है, प्रॉफिट है एक तरह से। अभी हम और बात करेंगे लेकिन सबसे पहले ये देखिए शानदार जो आए आपके फार्म में तो मेमने जो दिखे, पहले इसके बारे में बताइए। सर हमारे एक दोस्त है वो मतलब रिक्वेस्ट किए तो हमने अपना मेल से क्रॉस कराया और बोले कि उसका बच्चा सरैया है और इसका नियर अबाउट समथिंग कह लीजिए कि
तीन महीना हो गया सर, 3 महीने के हो गए हैं। और ब्लैक बंगाल इसकी माँ थी, इसकी हाँ ब्लैक बंगाल माँ थी। और इसका वजन कर लीजिएगा 18-20 लमसम हो जाएगा सर केजी में। बिल्कुल दोस्तों, एक बार करीब से आपको दिखाना चाहूंगा, आप एक बार देखिए। और एक इधर उठ जा भाई, तू ही उठ जा इधर। ये दो मेमने हैं और ये ब्लैक बंगाल से आए हैं, और इसकी माँ ब्लैक बंगाल थी और इनके दोस्त थे रिक्वेस्ट पे जो है अपने ब्रीडर जो इनके पास साउथ अफ्रीकन बोर है उससे क्रॉस करवाए और ऐसे शानदार मेमने आए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे आज फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे किसान जो होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ग्रोथ सही तरीके से ब्लैक बंगाल के जो मेमने आते हैं उसमें सही तरीके से ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आप अपने फार्म में इस तरह का ब्रीडर रखेंगे और क्रॉस ब्रीड से जब आप काम करेंगे तो निसंदेह बकरी पालन आपके लिए एक फायदेमंद बिजनेस हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। क्या ग्रोथ वगैरह, अगर हम सिर्फ बोर की बात करें तो क्या ग्रोथ वगैरह क्या होता है उसका? सर यदि बढ़िया से यदि खाना पीना सही ढंग से मैनेज किया जाए तो सर एक्चुअल में कहा जाए तो साउथ अफ्रीका मतलब कि जो भी बोर गुट है पर डे मतलब कि 250 ग्राम मतलब इसका वेट बढ़ता है, लेकिन सही ढंग से खान पान मैंने रखा जाए तो सर मतलब कि ये ओरिजिनल बोर का है। और इधर का जो भी है तो कह लीजिए कि मतलब 100 से 150 ग्राम मतलब कि पर डे मतलब कि वजन बढ़ता है। मुश्किल से कह लीजिए कि मतलब कि मंथली में 4 से 5 केजी मतलब कि बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि अगर जो प्योर जानवर हैं, जो प्योर एनिमल हैं साउथ अफ्रीका में, अगर ग्रोथ वगैरह जो होता है वो 250 होता है, लेकिन अगर बिहार के क्लाइमेट में पाल रहे हैं तो इनका 100 से 150 ग्राम इनका ग्रोथ होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। अब बात करते हैं खिलाने पिलाने में, तो खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, क्या खिलाते हैं अपने जानवरों को, हमारे दर्शकों को बताइए। सर यही खली देते हैं, चना देते हैं, जौ देते हैं, गेहूं देते हैं, गेहूं दड़ा बोलते हैं उसको देते हैं, नेपियर देते हैं। इधर मतलब देहात साइड में मतलब कि मसूर और मतलब कि चने का जो भी होता है उसका भूसा वो देते हैं, कुट्टी देते हैं, ये सब भूसा वूसा देते हैं गेहूं का, ये सब। नेपियर मतलब कि जो भी सुपर नेपियर है हमने लगाया है उसको भी मतलब कि आधा मिक्स करके देते हैं सर। मतलब हरे चारे के तौर पे जो है सुपर नेपियर और उसी में जो सूखा चारा है मिला के देते हैं। हाँ सर। क्या चराने वराने की भी क्या व्यवस्था है कि आपके पास? सर पूरी तरह मतलब स्टॉल फीड पे हम रखे हैं, चराने का मेरे पास टाइम नहीं है सर। ये जो आपका फार्म है लगभग कितने एरिया में बना हुआ है? सर अभी फार्म मतलब कि हमने 18 फीट चौड़ा है और मतलब कि 35 फीट लंबा है सर। 35x18 है? हाँ सर। तो इसमें कितने जानवर आपके आ जाएंगे? करीब मतलब कि कुछ नहीं तो 18-20, 25-30 मतलब समथिंग मतलब कि आराम से आ जाएगा। 25-30 की संख्या आराम से इस फार्म में रह सकती है? हाँ सर। फार्म जो है बना है आपका, लेकिन पूरे व्यवस्थित तरीके से फार्म नहीं बना है। जानवर जो अगर बकरी पालन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से फार्म पूरे अच्छे तरीके से आपका नहीं बना हुआ है। सर अभी नहीं बना है हमने इसमें। पहले शायद गाय वगैरह आप या जानवर वगैरह रखते थे क्योंकि बहुत सारा नाद है, उसी में फिर आप बकरी पालने लगे? हाँ सर, इससे पहले हम कहीं और जगह रखे थे और मतलब कि जैसे ही संख्या बढ़ा आज से मतलब कि सीधे मतलब डबल हो गए हैं। उससे पहले हम मतलब कम जगह में रखे हुए थे और मतलब कि जैसे ही मतलब कि इसका संख्या क्वांटिटी बढ़ता है धीरे धीरे हम सेटअप करते जाएंगे सर। अब आइए दोस्तों उधर चल कर देखते हैं और जानवरों को देखते हुए बात करते हैं। और दोस्तों ये जो है अभी हम फार्म के पीछे वाले साइड में आए हैं, आप देख सकते हैं सारे जानवर जो हैं इनके रेस्ट कर रहे हैं। अभी नमक शायद आपने दिया हुआ है? हाँ सर। ये क्या फायदा क्या होता है सर इसमें? मतलब कि जो भी पाचन के लिए सही होता है सर, ये नमक मतलब कि सेंधा नमक बोला जाता है। जो भी इसमें मिनरल्स होते हैं इसमें सर्च करिएगा तो इसमें 94 को तत्व पाया जाता है सर। बिल्कुल, अधिकतर आप फार्म विजिट करेंगे दोस्तों और जो किसान होते हैं जो सही तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं जिनका ब्रीडिंग सेटअप होता है तो आप उनके यहाँ ये इस तरह की व्यवस्था जरूर देखे होंगे। और बहुत ये जो सॉल्ट होता है, ये जो नमक होता है सेंधा नमक, बहुत सही होता है, पाचन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है, जानवर अपच की समस्या आपके फार्म में नहीं होगी। ये जो आप अपने दिमाग से इस ट्रे को बनाए हैं? हाँ सर, हमने बताया है और एक मतलब कि दोस्त था उसको हम बताया कि ऐसे ऐसे बनाना है और वो बनाया। लगभग क्या खर्च आया इस ट्रे को बनाने में? समथिंग 5-6 हज़ार रुपये। कैसे क्या बनाया ये पहले बताइए सर? ये ड्राम तो हज़ार जो केमिकल वाला ड्राम है। हाँ केमिकल वाला ड्राम है, उसी को काट कर ये सब मतलब सेटअप किया गया है सर। और लोहे के जो पट्टी पे है वो सेट कर दिए? हाँ सर। लगभग कितने जानवर इसमें खा लेते हैं? करीब कुछ नहीं तो मतलब कि 7-8 जानवर से, बड़े जानवर है, चार इधर से खा सकते हैं, चार उधर से खा सकते हैं।
बिल्कुल दोस्तों, तो इस तरह का जो है फीड ट्रे आप अपने फार्म में बना सकते हैं। देखिए एक इधर फीड ट्रे है और एक पीछे में इनका फीड ट्रे है, अपने दिमाग से ये बनाए। अगर जानवर में बात करें तो कितने अभी आपके पास मेल हैं? मेल छोटा बड़ा मिलकर मतलब कि 9 मेल है और 8 मतलब कि फीमेल है सर। छोटे बड़े मिला के 9 मेल हैं और 8 फीमेल हैं, और 2 मतलब कि वो ब्लैक बंगाल के 2 बच्चे हैं सर। तो टोटल मिला के लगभग 19 संख्या आपके पास होगी? हाँ सर, हाँ 19 संख्या है। एक बार इसको थोड़ा दिखाइए भाई, बहुत शानदार आपके फार्म का ये ब्रीडर दिख रहा है। एक बार नजदीक से दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा और आप देख सकते हैं कि काफी हैवी, ये जो है प्योर मैच्योर जो है साउथ अफ्रीकन बोर है। तो है कि क्या इसका कद काठी है, लगभग कितना वजन इसका क्या होगा? समथिंग मतलब कि 1 क्विंटल से ऊपर होगा सर। 1 क्विंटल से ऊपर होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या शानदार ब्रीडर है। अगर इस तरह का ब्रीडर आपके फार्म में रहे तो फिर क्या कहना है, रिजल्ट आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये सब जानवर आप महाराष्ट्र से मंगवाए थे? हाँ सर, महाराष्ट्र से मंगाए थे। अब जैसे जानवर जो भी हैं, तो कहा जाता है बकरी पालन अगर 1-2 पाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा संख्या में आपके पास होती है तो बहुत सारा समस्या धीरे धीरे क्रिएट होने लगता है और रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो उसके इन सब समस्या से कैसे आप निजात पाते हैं? सर पहले तो हम मतलब कि एलोपैथ दिया करते थे, अंग्रेजी दवा दिया करते थे, लेकिन आज की डेट में इतना अनुभव हो चुका है कि जो भी समस्या आती है तो हम होम्योपैथ और मतलब आयुर्वेद से हम मतलब कि इसको ठीक कर लेते हैं। क्या एलोपैथ में क्या दिक्कत है? एलोपैथ में सर उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है मेरे को, हमको आदमी पे मतलब यूज करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये तो जानवर है सर। तो इसलिए आज जो भी काम करते हैं अपने, जो आपका अनुभव हुआ तो उसमें आयुर्वेद और होम्योपैथ का इस्तेमाल करते हैं? हाँ सर, हाँ बिल्कुल, मतलब कि आज के डेट में सब कुछ मतलब कि इसी से ट्रीटमेंट कर लेते हैं सर, कोई भी दिक्कत नहीं होता है मेरे पास। PPRET HS सब जितना मतलब कि वैक्सीन है मतलब कि टाइम टू टाइम जो है समय समय पे करते रहते हैं सर। डिवार्मिंग जो भी है सर वो भी मतलब कि समय टू समय मतलब होता रहता है सर। डिवार्मिंग जरूरी है बकरी पालन में? हाँ सर, 3 महीने में मतलब कि आपको देते रहने पे मतलब कि ठीक रहेगा सर, क्योंकि मतलब कि इसके पेट में जो भी कृमि हो जाते हैं ना, तो वो मतलब कि जो भी इसका मतलब कि ग्रोथ रुक जाता है सर। जो भी इसमें जो पोषक तत्व जो हम इसको देते हैं बकरियों में न लग के, वो जो वर्म वगैरह रहते हैं वो सब चूस लेते हैं? हाँ वो सब चूस लेते हैं सर, इसलिए मतलब कि डिवार्मिंग करना जरूरी होता है। अब एक बात बताइए कि जैसे आप बोर का आपके पास अच्छा अनुभव है, लगभग 3 वर्षों का आपके पास अनुभव हो गया, बिहार में ब्लैक बंगाल का बहुत क्रेज है, सभी लोग कहते हैं ब्लैक बंगाल पालने के लिए, तो क्या आगे क्या योजना है कि और बोर पे ही काम करना है या ब्लैक बंगाल को भी ऐड करना है इसमें? सर प्रॉपर हम मतलब कि बोर पे काम करना चाहते हैं, ऐसे मतलब कि देखा जाएगा निकट भविष्य में, यदि संभव हो तो मतलब कि रख सकता हूँ। और ऐसे मूलतः मतलब कि मेरे को कहा जाए कि पर्सनली मतलब कि बोरे पे काम करना है सर, मतलब मन बनाए हुए हैं कि बोर पे ही काम करना है। हाँ सर, एक चीज मैं बता दूं सर आपको कि कुछ दिन के बाद ऐसा आएगा कि मैं ब्लैक बंगाल के मतलब कि एक ब्लैक बंगाल का क्रेज जो भी चल रहा है वो अच्छी क्वालिटी है सर, लेकिन मतलब कि ऐसा कर दूंगा ना कि मतलब कि एक ब्लैक बंगाल मांगना और इसको मांगना बराबर हो जाएगा सर, मतलब इतनी संख्या में आप यहाँ कर देंगे उसको। हाँ सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसे बहुत सारे भाई अलग अलग देश के हिस्सों से आपको देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बकरी पालन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि भाई जैसा ब्रीडर आपके पास है शानदार, उनके फार्म में भी ब्रीडर हो, तो क्या अगर ज़रूरत हो एक आध जानवर की तो क्या आप उनको दे भी सकते हैं? हाँ सर, यदि मेरे पास एक्स्ट्रा में होते हैं तो मतलब कि दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। हाँ सर, भाई हैं अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह के ब्रीडर की ज़रूरत है या रखना चाहते हैं तो इनका नंबर मैं दे दूंगा सर का, आप बात करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हरा चारा की बात करें तो लगभग कितने एरिया में आप लगाए हुए हैं? सर मेरे पास सुपर नेपियर है, 4 कट्ठा में करीब लगाया हूं और इन सब के लिए अभी तक पर्याप्त है सर। वो मतलब उसी हरे चारे में इन सब का जो है भरण पोषण होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है, और एक मतलब उनके लिए काफ़ी है, धीरे धीरे मतलब क्वांटिटी बढ़ेगा बढ़ जाएगा सर। एक चीज़ और बताइए कि जब आप मान लीजिए कि जब शुरू किए होंगे तो कुछ और आप काम कर रहे होंगे, और पहली बार जब लाइव स्टॉक का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही आती है, समस्या आती ही आती है, तो क्या कुछ ऐसा समस्या आया? हमारे उन दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं पूछ रहा हूँ जो मान लीजिए आने वाले समय में बकरी पालन करते हैं तो उनको इन सब समस्या से जूझना ना पड़े। सर समस्या तो मतलब कि जीवित जानवर है तो मतलब कुछ ना कुछ आती ही रहती है, लेकिन
मेरे पास एक लॉस भी हुआ है, और मतलब कि मैं नहीं कहूँगा कि भगवान थोड़ी हूँ, मतलब कि भरसक चाहा कि हमने ट्रीटमेंट करके बचा लूँ, लेकिन बच नहीं पाया। उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया था, वो इतना वीक हो गई कि मतलब कि एक फीमेल थी वो एक्सपायर कर गई, मोर्टेलिटी हो गया। हाँ, मोर्टेलिटी हो गया सर। हाँ सर, मतलब कि जो भी समस्या था निमोनिया का, ये कुछ सब मतलब कि आज की डेट में सब कुछ संभव है सर, मतलब वो ठीक हो जाता है। शुरुआती दौर में यही सब समस्या आपको आई थी? हाँ सर, कुछ समस्या आई थी, लेकिन मतलब कि अब समस्या अब नहीं आती है, सब कुछ मैं ठीक कर लेता हूँ। आगे की क्या योजना है? आगे योजना यही है सर कि मतलब कि बोर पे मुझे काम करना है प्रॉपर, और बोर को इतना फैला देना है कि ब्लैक बंगाल को रखना और इसको रखना बराबर हो जाएगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, ये हैं गोपाल जी, बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। बक्सर स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर दूर बढ़ाना गांव है, वहीं के रहने वाले हैं, और लगभग 3 वर्षों से बोर की फार्मिंग कर रहे हैं। एक अच्छा अनुभव इनके पास है, और कुल मिला के लगभग अभी जो है जानवर 19 हैं। शुरुआत 3 जानवर से किए थे और अभी जो हैं 19 हैं, हालांकि बीच में 7-8 जानवर भी आपने बेचे हैं। तो यही सब आज की जानकारी है। अगर कुछ हमारे से प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बोर का आज बहुत सारा, बोर का जो है आज बिहार में काफ़ी क्रेज है। जो भी भाई अगर इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए मैं सर का नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके इसके बारे में बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।